नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। मार्केट में काफ़ी बड़ा हलचल आपको देखने को मिला है। अगर देखा जाए नॉर्मली ऑप्शंस पर हो या फिर फ्यूचर्स पर हो, कैश में हो, जो भी है, आपको काफ़ी मतलब एक हलचल देखने को मिला है। कल मैंने सबको बता दिया था क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी है स्टॉक्स के, तो इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। जितने लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, जितने लोगों ने प्लान किया होगा एग्जैक्टली आज अच्छा पैसा कमाया होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैंने डायरेक्टली पोस्ट भी कर दिया था कि जो 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 टारगेट हमने दिए थे वो सारे यहाँ पर अच्छे आपको अचीव होते हुए देखने को मिला गया, और वो मिला है सबको वहाँ पर। तो गाइज, जो भी मैं लेवल्स आपको देता हूँ, अगर आप प्रॉपर वे में काम करते हो ना, तो आप लोग को डेफिनेटली पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा, सबको सबको मिलेगा। और खास करके जितने लोग वीडियो को सही से देखते हैं और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं, उनको पैसा जरूर मिलता है। तो डायरेक्टली चलते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर, और वीडियो के शुरू में बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एनालिसिस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम लोग मंडे से यूट्यूब लाइव आने वाले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग को कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अगर डिटेल्स चाहिए, लेवल्स चाहिए, तो वो जानकारी भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके साथ साथ प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप ना करिए, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला लेवल हम लोग देखेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर और उसका सपोर्ट देखेंगे। पहले सपोर्ट रहेगा टाटा मोटर्स का 41380 पैसा। याद रखिए, अगर टाटा मोटर्स सॉरी अगर टाटा मोटर्स 41380 पैसा के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 40990 पैसा। और 405 यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। याद रखिए, इतना नीचे की उम्मीद हम फिलहाल नहीं कर सकता, फिर भी 409 तक आने की उम्मीद यहाँ पर कर सकता हूँ। 41380 पैसा के नीचे अगर चलता है तभी सेल करना है। 40990 पैसा और 405 40940 पैसा और 405 यहाँ तक आपको सपोर्ट के लेवल आपको मिलेंगे। रेजिस्टेंस के क्या अगर बताऊँ, रेजिस्टेंस रहेगा 422 रुपीज 65 पैसा। जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर चलता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 426.90 पैसा और दूसरा टारगेट रहेगा 431। याद रखिए, अगर टाटा मोटर्स 422.65 पैसे के ऊपर चलता है बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 426.90 पैसा और 431 यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट आपका रहेगा डीएलएफ। और मैं आपको कल मैंने जो लेवल्स दिया था, आज वो अचीव हुआ या नहीं हुआ वो मैं आपको वीडियो के द्वारा दोबारा नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप लोग चाहो तो कल का वीडियो देख सकते हो और मार्केट में आज वही ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ है वो चीज़ आप लोग चेक कर सकते हो। क्योंकि मैंने शुरू से बताया था, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है 300 और 303 का लेवल, तो वहाँ से एक अच्छा बाइंग पोजिशन क्रिएट होने के चांसेस यहाँ पर था। तो कल जितने लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ से आज काफ़ी सारे लोगों ने होल्डिंग किया होगा, तो ये आपको करीबन 340-360 तक का लेवल आपको आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो डायरेक्टली चलते हैं लेवल्स के ऊपर। डीएलएफ का सपोर्ट रहेगा 315.75 पैसा। याद रखिए, अगर डीएलएफ 315.75 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तभी आप इसको सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 309 और 302.30 पैसा। याद रखिए, अगर 315.75 पैसे के नीचे चलता है तभी आप सेल कर सकते हो। 309 और 302.30 पैसे का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात कहूँ, रेजिस्टेंस 322.45 पैसा है। जैसे ही 322.45 पैसे के ऊपर चलने लगता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 329.30 पैसा और उसके ऊपर चलता है 333.30 पैसा। याद रखिए, 322.45 पैसा आपका रेजिस्टेंस है। जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर चलता है 329.30 पैसा और 333.30 पैसा यहां तक आपको टारगेट रहेगा। आज मैंने इंट्राडे पर भी
308 के आसपास मैंने बाइंग करवाया था डीएलएफ, टाटा मोटर्स भी, और टाटा स्टील तो काफ़ी अच्छा हमने बाइंग किया था, करीबन 1000 के लेवल के आसपास हमने बाइंग किया था। काफ़ी अच्छा टारगेट मिला टाटा स्टील में, और अभी भी कुछ होल्डिंग्स है टाटा स्टील में, काफ़ी सारे लोगों ने होल्ड किया हुआ है। कल हम लोग प्लान कर रहे हैं अगर 1080 के आसपास या 70 क्रॉस करता है तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास करके आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो कैसे एनालिसिस किया जाता है, क्या चीज़ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, आपको ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग पेड चैनल में ज्वाइन कर रहे हैं तो पेड चैनल में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे एक फ्री टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेड सर्विस के लिए। तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको क्लियरली बता दिया हूँ डीएलएफ का, काइंडली लिख लीजिए और कल मार्केट में उन्हीं लेवल्स के ऊपर काम करेगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छा ब्रेकआउट का सिनेरियो बना है यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर कल ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि क्योंकि बैंक निफ्टी अभी एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद अभी ऊपर सस्टेन किया हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सारे स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे कि अभी आप एक पैटर्न आप देख रहे हो, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट के लेवल पर आ चुका है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये कल यहाँ पर ब्रेकआउट देना जरूर चाहिए। तो ये अगर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तो आगे चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी करीबन 500 के आसपास का लेवल आपको तुरंत देखने को मिल सकता है। चलिए कल के लिए हम लोग पहले देखते हैं कल कौन से लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हो एसबीआई को। सपोर्ट रहेगा 465.70 पैसा, याद रखिए अगर सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 461.30 पैसा, और रेजिस्टेंस सॉरी उसके नीचे का टारगेट रहेगा 456.90 पैसा, 452.50 पैसा। याद रखिए 465.70 पैसा के नीचे सस्टेन करने पर सेल करिए, 461.30 पैसा, 456.90 पैसा, 452.50 पैसा, यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ 470 रुपीज का रेजिस्टेंस है, जैसे ही 470 के ऊपर चलने लगते हैं आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 477, काफ़ी बड़ा टारगेट है, बट आप लोग 475 के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 475-76 के आसपास आके ये वीक हो सकता है। और जैसे ही 477 के ऊपर सस्टेन करता है नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 482.55 पैसा। तो गाइस दोबारा बता देता हूँ, 470 रुपीज के ऊपर अगर एसबीआई सस्टेन करता है बाई कर लीजिए। पहला टारगेट रहेगा 477, बट आप लोग प्रॉफिट अगर बुकिंग करना चाहते हो 475 से लेकर 76 के बीच में बुकिंग कर लीजिए प्रॉफिट, और 477 के ऊपर सस्टेन करने पर 482.55 पैसे तक टारगेट ये जा सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी मैं आपको दे रहा हूँ काइंडली नोट करके आप लोग उनको कल मार्केट में ट्रेड ज़रूर करिएगा। और किसी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड अभी काफ़ी ऊपर था, तो अभी यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेटली मार्केट ऊपर नहीं जाता है। अभी थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर हो सकता है आपको दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक आ सकता है और कौन से लेवल पर आप उसको ट्रेड कर सकते हो, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा देखेंगे। सपोर्ट पे पहले चलते हैं, सपोर्ट रहेगा 136.20 पैसा। अगर अशोक लेलैंड 136.20 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आज, उजल आप सेल करोगे, पहला टारगेट रहेगा 135.40 पैसा, 132.95 पैसा, यहाँ तक आपको आने की चांसेस है। बट आप लोग 136 से लेकर 135 तक सपोर्ट लेके चल सकते हो, हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर रिवर्स करने के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट आपको फिलहाल बता देता हूँ 136 के नीचे ही सेल करना है, 135.40 पहला टारगेट, 132.95 यहाँ तक आपको दो टारगेट रहेगा, तो आप लेवल्स और सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में ट्रेड ज़रूर कर लेगा। और रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 138.15 पैसा, जैसे ही 138.15 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 140.15 रुपीज़, दूसरा रहेगा 141.60 पैसे के आसपास, और नेक्स्ट रहेगा 143। याद रखिए 138.15 पैसा के ऊपर बाय कर सकते हो, 140.15 रुपीज़, 141.60,
143 यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। गाइस अगर किसी को भी ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पे एक ईमेल आईडी है, आप लोग उस ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हो, ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। साथ ही साथ किसी को भी अगर फ्री हो या पेड हो अगर सर्विस में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन पे एक टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पेड सर्विस के लिए भी डिटेल्स दिया जाता है, तो तब आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील का जो लेवल्स मैंने आपको दिया था, आपको सबको पता होगा 990 के नीचे ये सस्टेन नहीं किया, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। आज हमने करीबन 1000 के ऊपर हमने बाइंग करना स्टार्ट किया था, 1030 के आसपास, 29 के आसपास, 30 के आसपास हमने पहला प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद दोबारा हमने 40 के आसपास किया, बट स्टील अभी कुछ भी पोजिशन हमारा होल्डिंग में है, फ्यूचर का पोजिशन भी है। कल अगर 70 के ऊपर जाता है तो हम लोग डिसाइड करेंगे इसको रखेंगे या एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर कल के लिए देखते हैं सपोर्ट, कल का सपोर्ट रहेगा 1049.45 पैसा। जैसे 1049.45 पैसे के नीचे सस्टेन करता है सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1022.35 पैसा और 1008, याद रखिए 1049.45 पैसे के नीचे चलता है सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1022.35 पैसा और 1008, यहाँ तक आपको टारगेट हो सकते हैं अगर नीचे जाता है तो। रेजिस्टेंस अगर देखा जाए 1058.50 पैसा आपका रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1067.55 पैसा, 1058.50 पैसा के ऊपर जाता है 1067.55 पैसा और उसके ऊपर चलता है 1082.25 पैसा और उसके ऊपर चलता है 1099.97। याद रखिए 1058.50 पैसे के ऊपर चले तो बाय कर सकते हो, 1067.55 पैसा, 1082.25 पैसा और 1097, यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। आई होप गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस थे सारे स्टॉक्स की डिटेल्स मैंने आपको दे दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। और किसी को भी अगर ट्रेनिंग या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी और उसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया हूँ, काइंडली आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।